और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। शिवपुरी जिले के नरबल थाना क्षेत्र के अंतर्गत चकरामपुर गांव में दो पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस विवाद को चुनावी रंजिश से भी जोड़ा जा रहा है। वहीं विवाद के बाद तीन लोगों की मृत्यु की भी खबर सामने आ रही है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर के कोई भी जानकारी नहीं दी है। एमके न्यूज भी इस बात की पुष्टि नहीं करता है। वहीं बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जसपाल सिंह बैश ने कहा है कि चक्रामपुर विवाद मामले में तीन लोगों की मृत्यु हुई है। कुछ दिन पहले ये अपना गणेश जी निकलते हैं, उस टाइम डीजे के ऊपर ये गाना बजा रहे थे, द्वार पे खड़े होके घर में घुस के मारेंगे। तो इनने बोला इनसे कि आप डीजे आगे बजा लो, यहाँ पे अच्छा नहीं है, हमारी बहुएं बिटियाँ अच्छा नहीं लगेगा। तो उस दिन इन लोगों ने आपस में हो गई थी, उस टाइम गोली चलाई, इनने अपने हाथ में गोली मार के 307 का केस लगवाने की कोशिश की, 307 इन पे वो हो नहीं पाई। इसके बाद इन लोगों ने कुछ दिन बाद अभी ये दो लड़के आए थे इनके बुआ के पास, वो अभी ये ख़त्म हुआ है, अमर सिंह और हिमांशु, वो अपनी बुआ के ना रहने के लिए मतलब दोज के दिन आए थे टीका कराने के लिए। तो इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र रच के ये हिमांशु सौरभ भोला ये लोग तो एक गांव है उधर गए हुए थे, इनने पहले तो घर में घुस के मारे सब लोगों के लिए। इसके बाद वो लोग आ रहे थे गाड़ी में, गाड़ी में आने के बाद इन्हें गाड़ी रोक के गाड़ी में आग लगाई और एक तो गाड़ी में जल के ही मतलब वहाँ पे आग में ही जल गया था और दो भागे तो उनको मार के रास्ते में गाड़ी जला दी। कितनी कैजुअल्टी, कितने लोग? ये टोटल 7 लोग हैं। 7 में से मृत कितने हैं? मृत अभी 3 हो गए और घायल 4, घायल भी 4 हैं। मृतों के नाम बताओ। मृतों का नाम लक्ष्मण सिंह भदौरिया, अमर सिंह उर्फ हिमांशु और दूसरी आशा देवी। आज हमने थाने के सामने जो चक्का जाम किया है वो हमने बेहद शालीन तरीके से बैठकर अपना प्रदर्शन किया है, प्रशासन को बताया है। जो घटना हमारे चक्रामपुर में हुई है उसके लिए हमने ये चक्का जाम किया था। दो हमारी 3 डेथ हो चुकी हैं और ये मैसेज हमने प्रशासन को दिया था कि आप जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें, कार्रवाई करके हमें सूचित करें, और नहीं तो अन्यथा हमारे लोगों के कई लोगों के फोन आ रहे हैं तो हम उनको अब विश्वास कैसे दिलाएं। आज एडिशनल एसपी साहब आए, उन्होंने बताया कि आप कल 12 बजे तक का हमें समय दो, हम आपके जितने भी लोग हैं सबकी पकड़ करेंगे, 10-10 हज़ार के इनाम घोषित करेंगे और सालों जितने के मकान हैं सबके मकान तोड़े जाएंगे जड़ से। कल दिनांक 17 को चक्रामपुर में रात्रि 9 बजे कुशवाहा परिवार और भदौरिया परिवार के बीच में कुकुट का विवाद था, उसको लेकर झगड़ा हुआ। इसमें दोनों पक्ष के एक पक्ष का 7 लोग घायल हुआ है और दूसरे पक्ष का 1 घायल हुआ। इसमें दोनों पक्ष की FIR हो गई है और उसमें गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजी गई है, शीघ्र दोनों गिरफ्तारी की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा।